नगर पालिका के रेन बसेरा में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्तंभ बनाया गया है जिनकी शहादत के बाद हमें आज़ादी की सांसें लेने को मिली। शहीद स्तंभ की दुर्दशा को सुधारने एवं बीना में मौजूद और भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम को जोड़ने को लेकर समाजसेवी राम शर्मा ने नगर पालिका के सामने उपवास कर कलेक्टर, SDM एवं नगर पालिका CMO के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। बीना अथक पथ संग्रहालय के राम शर्मा ने बताया कि नगर पालिका के रेन बसेरा में स्थित स्तंभ जर्जर हालत में है। साथ ही बीना में ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका देश की आज़ादी में विशेष योगदान रहा है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पेंशन दे रही है, उसके बावजूद भी नगर पालिका के पास रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है, जिसको लेकर राम शर्मा ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर पार्क बनाकर उचित सम्मान दिया जाए। आज अथक पथ संग्रहालय के माध्यम से हमने ये उपवास किया कि आज बीना नगर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या बहुत अधिक है। अनेकों क्रांतिकारियों ने, सेनानियों ने यहाँ भाग लिया, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो प्रचारित पट्टिका है उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, जबकि यहाँ की संख्या अधिक है और उन्होंने सभी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। आज की इस बाल युवा पीढ़ी को या बीना नगर के लोगों को हम ये नहीं बताएंगे कि आज़ादी कैसे मिली, हम सुरक्षित कैसे रखें और बीना में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्या योगदान है, तो उन्हें ऐसे कैसा पता चलेगा कि बीना में अनेकों क्रांतिकारी रहे हैं। विगत दिनों से, कई वर्षों से नगर पालिका का जो स्थान है रैन बसेरा, वहाँ देखने में आया कि जो पट्टिका है वो बहुत ही जर्जर अवस्था में है, बहुत ही गंदगी में है, वह दुर्दशा का शिकार है और ऐसी जगह पर स्थापित है कि जहाँ नगर पालिका के कर्मचारी आदि भी नहीं जाते। आज मैंने कई प्रशासनिक अधिकारियों को उनसे अवगत कराया, वो बताया कि वहाँ की साफ सफाई के पश्चात वहाँ एक पार्क का स्थापित किया जाए जिसमें सारे क्रांतिकारियों का वर्णन हो, उनका जीवन चरित्र हो और लोग जान सकें कि हमारे बीना नगर की में काफ़ी स्वतंत्रता में बड़ा योगदान है। मैंने इस प्रकार की आज ऐसी अपेक्षा की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात हो रही हो, अमृत महोत्सव से पूरी ये सब कार्य हो जाएगा तो निश्चित तौर पर वंदनीय है, हम सबके लिए अनुकरणीय है।